एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा कार्ड बनाएंगे, जो कि आप लोग जस्ट 5 मिनट्स में घर पे ही रेडी कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम मटेरियल में। यहाँ पर मेरे पास है कंप्यूटर शीट्स, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंप्यूटर शीट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ली हूँ रेड एंड लाइट पर्पल कंप्यूटर शीट्स लेंगे हैं, और उनको इस तरह से कट कर लिया है मैंने। इस तरह से स्ट्रिप्स जो हैं वो आप लोगों ने भी ले लेनी है, एंड देन इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो मैंने उसको रोल करके एंड पॉइंट उसका जो है वो ग्लू के साथ जोड़ दिया था, और उसके बाद जो है हमारे पास ये वाली शेप आ जाएगी। इसी तरह से मैंने और भी जो है डिफरेंट कलर्स की शेप्स जो हैं वो बना ली हैं, और अब हम इनको शेप देने जा रहे हैं आई की। इसकी दोनों साइड्स को पकड़ के हम लोगों ने प्रेस कर देना है, तो ये हमारे पास आई की शेप बन जाएगी। नेक्स्ट हम इसको पेज के ऊपर पेस्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने यहाँ पर वो उन्हीं जो सर्कल्स मैंने बनाए थे उनको शेप दी थी, और उनको ही इस तरह से रख के पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, सेम वैसे ही स्ट्रिप्स जो हैं वो मैंने ली हैं यहाँ पे, और उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के हम लोगों ने इसको इनको पहले आपस में जो है पेस्ट कर देना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो जाए। पहले हमने नीचे से उनको आपस में पेस्ट कर देना है, और उसके बाद ऊपर वाला जो उसका पॉइंट है वहाँ से पकड़ कर हमने इनको क्या करना है, रोल आउट कर लेना है। जैसे हम लोगों ने सेम वो फ्लावर्स की पेटल्स जो हैं वो हम लोगों ने रोल की थी, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इन सारे स्ट्रिप्स को एक साथ पकड़ के इनको इस तरह से रोल करते जाएंगे। और इनको थोड़ा सा हमने लूज़ कर देना है, ताकि इसकी जो शेप है वो हमारे पास अच्छी से अच्छी आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर रख के ग्लू लगा के इनको जोड़ दिया। इसको हम लोगों ने इस तरह से शेप दे दी है, और नेक्स्ट हमने सेम वैसे ही लेनी है और इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने इनको इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर दिया है। आप लोग चाहें तो आप लोग किसी और तरह से इसको पेटल्स को अपनी मर्ज़ी से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद ग्लिटर शीट की स्ट्रिप कट करके मैंने वो साइड्स पे लगा दी। आप लोग चाहें तो कोई और शीट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद येलो ग्लिटर शीट ली है मैंने, और इसकी सेम वैसे ही स्ट्रिप कट करके इसके ऊपर और इसकी जो नीचे है वहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर ये मोती यूज़ करने जा रही हूँ। आप लोग कुछ और कलर का मोती अगर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने रेड कलर का मैंने वाइट कलर का यहाँ पर मोती लिया, उसको इसके अंदर जो है इस तरह से पेस्ट कर देंगे,
ताकि ये जो है इसको और भी ज़्यादा अच्छी लुक दें। अगर आप लोग चाहें तो इसमें कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नीचे गैप था उसको फिल करने के लिए मैंने उसी कलर की जो है स्ट्रिप्स जो है ली हैं और उनको ऊपर से रोल कर लेना है सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने ऊपर जो है डिज़ाइन किया था, और उनको इस तरह से कॉर्नर में रख के हम लोग इसको यहीं पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर इनको शेप दे दिया है और नेक्स्ट हम लोग इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं। इस तरह से पेज मैंने डिफरेंट कट करके पीसेस कट करके इनको लगा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाला पीस यूज़ किया है और उसके अंदर हमने उससे छोटा पीस जो है वो रख के इस तरह से पेस्ट कर दिया है ताकि ये हमारे पास एक किताब की एक बुक की जरूरत आ जाए। इसके अंदर आप लोग कोई भी चीज़ ड्राइव कर सकते हैं, जिस भी मकसद के लिए आप लोग किसी को कार्ड देना चाह रहे हैं वो वाला आप लोग यहाँ पर राइटिंग जो है उस लिहाज से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हैप्पी हैप्पी बर्थडे। इसके अंदर वाली जो बुक है उसके ऊपर आप लोग कोई और चीज़ भी राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसके अंदर नेक्स्ट जो स्मॉल साइज इसके अंदर पेज था उसके ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिए हैं डिफरेंट कलर्स के बलून। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्केल की मदद से इसकी साइड्स पे मार्कर के साथ जो है बाउंड्री बना देंगे ताकि ये जो पेजेस हैं वो हमारे प्रोमिनेंट हो जाएं। इसके बाद जो अंदर में बिल्कुल स्मॉल साइज़ हमने बुक बनाई है पेज बनाया है उसके ऊपर हम लोगों ने रेड आउटलाइन करने जा रहे हैं। इस तरह से हमारी ये जो थर्ड स्टेप्स बुक है ये बिल्कुल कंप्लीट है और वो भी एक कार्ड की शक्ल में। इस तरह से ये हमारे पास कार्ड जो है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही आसान वे में हम लोगों ने एक कार्ड जो है वो जस्ट 5 मिनट्स में रेडी किया है। आप लोग भी इसको ट्राई करें और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच व्यूवर्स।